लगता है मन ये सोचने, जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं, कैसे कहूं किससे राधिका जी अपने मर्जी से घर छोड़ के नहीं गई थी। उन्हें अपमानित करके धक्के देकर इस घर से निकाला गया था। मैं वृंदावन जाऊंगा और राधिका से मिलूंगा और उसे सच भी जानूंगा। उसकी बेगुनाही का सबूत मैं सबके सामने लाकर रहूंगा। जब तक पंचायत शास्त्री जी की मानी हुई बेटे के बारे में कोई निर्णय नहीं लेता, तब तक शास्त्री जी ना ही कोई पूजा करवा सकते हैं, ना ही कोई अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। और तो और, तब तक इन्हें अपने आप को शास्त्री कहलवाने का भी अधिकार नहीं है। क्या कह रहे हैं? बाबूजी से शास्त्री की उपाधि कोई कैसे छीन सकता है? बाबूजी इनसे कुछ कहिए ना। देखिए, पंचायत का जो भी निर्णय होगा सो होगा, परंतु उसके पूर्व इस तरह से मंदिर के कपाट बंद करना उचित नहीं। उचित अनुचित हमें मत सिखाइए शास्त्री जी। जब तक पंचायत का निर्णय नहीं आ जाता, मंदिर के कपाट बंद ही रहेंगे। मंदिर के कपाट कैसे बंद कर सकते हैं? आपको शिकायत हमसे है ना, भगवान से तो नहीं? मंदिर बंद रहेगा तो कौन कान्हा को जगाएगा? कौन उनका साथ श्रृंगार करेगा? कौन पूजन करके उन्हें भोग चढ़ाएगा? बोलिए ना। सुन लिया गांव वालों, अधर्म करने वाली लड़की को भगवान की चिंता हो रही है। अरे तुम्हारे भगवान उसी वक्त खंडित हो गए थे जब तुमने कुंवारी होकर सुहागन वाली पूजा करने का निश्चय किया था। अरे तुम लोगों को मंदिर की सेवा करने देने से तो अच्छा है कि मंदिर के कपाट बंद ही रहे। बंद रहेगा, मंदिर के दरवाजे बंद रहेंगे। बंद रहेगा, मंदिर के दरवाजे बंद रहेंगे। देखिए, गलती मुझसे हुई है, बाबूजी से नहीं। मैं मंदिर में प्रवेश नहीं करूंगी, लेकिन बाबूजी को तो मंदिर में जाकर पूजा करने दीजिए ना। अपराधी को मदद करने वाला भी अपराधी होता है। देखिए, बात को आगे बढ़ाने से बेहतर है कि आप दोनों घर चले जाइए। अब अगली मुलाकात पंचायत में होगी। आ जाइएगा। बहुरिया, मुझको तो बहुत बहुत डर लग रहा है। माँ, क्या हुआ राधिका? बैठ बिटिया। माँ, बैठ बिटिया, मैं पानी लाती हूँ। ये ले बेटा, पानी पी लो। राधिका, क्या हुआ बिटिया? तू ऐसे क्यों रो रही है? कुछ कहा क्या ब्रजवासियों ने? अरे कुछ बोलेगी भी
या आकन से जमुना जी बात ही रहेगी। बिटिया, तेरे तेरे बाबूजी कहाँ हैं? मंदिर में कुछ हुआ क्या? माँ, वृंदावन वासियों ने हमारा मंदिर बंद कर दिया। पंचायत का फैसला नहीं आ जाता तब तक बाबूजी को शास्त्री कहलाने का कोई अधिकार नहीं है मां। सत्यानाश सत्यानाश अब ते सुबहाई के का होवे गो। अरे अब रोके का होवे गो। जे दिन ही छोरी को मंदिर में पाया उही दिन ही का गला घोट देते तो आज ही दिन ना देखना पड़तो। ई छोरी की वजह से मोर लल्ला पे पंचायत बैठी थी पहले भी। अरे तब तो पंचों ने चेतावनी देकर छोड़ दियो थो। अब जाने का होवे गो। अब तू काहे रो रही है बहुरिया? अरे हमको लल्ला के पास जाना होगा। ई बखत तुमको हमरी बहुत जरूरत है। जा लल्ला का कुर्ता ले आई हो। चल जल्दी चल 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 चल। राधे कृष्ण राधे। किस अपराध की सजा मिल रही है मेरे बाबूजी को काना? उन्होंने तो सबके सामने मुझे समर्थन दिया था। झूठ तो मैंने बोला था सबके सामने। अपने आप को आपकी भ्याता माना तो सजा उन्हें नहीं मुझे दो काना। मुझे तो आपकी भक्ति कठिन मानी जाती है ना कान्हा, तो फिर इसी भक्ति में मैं कठिन प्रण लेती हूँ। मैं आपके गोवर्धन पर्वत की दंडवत परिक्रमा करूंगी, बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए। पर आपको मेरे बाबूजी को पंचों के सामने विजयी बनाना होगा कान्हा। उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा उन्हें वापस दिलानी होगी। ये एक भक्त की प्रार्थना ही नहीं जिद भी है। शान, आप सब लोग जानते हैं कि ये पंचायत यहाँ क्यों बुलाई गई है। पंडित ब्रिजमोहन शास्त्री की मानी हुई बेटी ने हरियाली अमावस्या की दीप पूजा करके बहुत बड़ा अपराध किया है। ऐसी पूजा मात्र सुहागिनों को ही करने का अधिकार है। शास्त्री जी ने ना सिर्फ अपनी बेटी के इस कार्य का समर्थन किया है बल्कि अतिथि स्वरूप यहाँ आए महामहन जी का अपमान करने का अपराध भी किया है। कहिए शास्त्री जी, आपको इस बारे में क्या कहना है? मान्यवर, मेरी पुत्री विवाहित है। संपूर्ण वृंदावन जानता है कि मेरी पुत्री ने स्वयं को कान्हा की पत्नी माना है, अतः उसका हरियाली अमावस्या की पूजा करना कोई भी अपराध नहीं है। भाई जब वो खुद को ब्याहता मानती है
तो फिर उसने अपनी मांग का सिंदूर क्यों मिटा दिया? कि हम खुद चाहते थे कि उसे कान्हा की ब्याहता के स्वरूप में स्वीकार करे, लेकिन अपनी मांग का ये सिंदूर मिटा के तो उसने खुद के विश्वास को लांछन लगा दिया। उसकी मांग में सिंदूर न देखकर मेरे मन में भी ये विचार आया था कि संभवतः वो संसार की ओर लौटना चाहती है, परंतु ये मेरी भूल थी। वो अभी भी स्वयं को कान्हा की पत्नी मानती है। ये तो एक भक्त और उसके भगवान के बीच का विषय है, हम और आप उस पर क्या बात कर सकते हैं? बात को घुमाइए मत शास्त्री जी। अगर वो भगवान को भी अपना पति मानती है तो उसे इस पूजा करने का अधिकार नहीं है। ये पूजा एक सुहागन अपने पति के सुख स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए करती है। भगवान को पति मानने वाली जोगन को यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान तो इन सांसारिक संकटों से बहुत ऊपर हैं। श्रीमान, हम ईश्वर को प्रतिदिन जगाते हैं, स्नान कराते हैं, वस्त्र धारण करवाते हैं और उसके पश्चात उन्हें भोग अर्पण करते हैं। यदि भगवान सर्वशक्तिमान है तो इन्हें इन सब की क्या आवश्यकता है? फिर भी हम करते हैं क्योंकि ईश्वर को हम मनुष्य का प्रतिरूप ही मानते हैं। युगों से जब भी ईश्वर ने इस संसार में जन्म लिया है वो मनुष्य के रूप में ही लिया है। यदि अपने प्रभु को मनुष्य का प्रतिरूप मानकर उनके सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्पण करनी चाहिए तो इसमें किसी को आपत्ति क्या है? मैं आपसे करबद्ध कर ये विनती करना चाहूंगा कि कृपया मेरी पुत्री को एक सुहागन की भांति जीवन व्यतीत करने दें। मेरी पुत्री मन और तन से अपनी भक्ति से भी अधिक पवित्र और पावन, उसकी पूजा से वृंदावन की धरती कभी भी अपवित्र हो ही नहीं सकती। अगर आपकी बेटी इतनी पावन और पवित्र है तो फिर उसे अपनी बहन के ससुराल से क्यों निकाला गया? आप क्या कह रहे हैं? यह संभव? तो फिर पूछिए अपनी पत्नी और माता जी से शास्त्री जी, वो ही कहेंगे कि यह बात सच है या झूठ। शक्ति दो कान्हा, अभी तो कुछ दूरी शेष है। नंदन राधे राधे, देव की नंदन राधे राधे,
आपने हर बार मेरी मदद की है कान्हा, फिर आज क्यों क्यों मुझे कमजोर बना रहे हो? आज मुझे हमेशा से अधिक जरूरत है आपकी कान्हा, अधिक जरूरत है। कहिए शास्त्री जी, है कोई उत्तर इस बात का आपके पास? मुझे ज्ञात नहीं कि मेरी पुत्री को मेरे समझाने से क्यों निकाला गया, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि मेरी बेटी निर्दोष है, उसने कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया है। ये अवश्य कोई मिथ्या बोध हुआ होगा। भाई इसमें भी आपको आपकी बेटी की कोई काना भक्ति नजर आएगी। पंच महोदय, मैं इनको जरा याद दिलाना चाहता हूँ कि इनकी बेटी के चरित्र पे लांछन लगा है, पूछ लीजिए किसी को भी। कहिए शास्त्री जी, आपको इस बारे में क्या कहना है? मान्यवर, मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि मेरी बेटी मीरा है, और मीरा ने स्वयं अपने भजनों में ये कहा है कि संतन संग बैठ बैठ लोक लाज कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। सदियों से इस धरती पर भक्तों के चरित्र पर संदेह किया जाता रहा है, उन पर चारित्रिक लांछन लगाया जाता रहा है, मेरी बेटी पर भी अवश्य लांछन लगाया जा रहा है। इसमें भी प्रभु की कोई लीला है जो मेरा तुच्छ मन समझ नहीं पा रहा है। क्या हुआ है? क्यों तुम खुद को इतनी तकलीफ दे रही हो? ऐसा क्या मांगा है तुमने भगवान से जिसकी वजह से तुम्हें इतना कठिन प्रण करना पड़ रहा है?
शास्त्री जी को दंड भुगतना ही पड़ेगा। इनकी मानी हुई बेटी राधिका ने अपराध किया है और उस अपराध का समर्थन करके शास्त्री जी ने और भी बड़ा अपराध किया है। हम सबने ये निर्णय ले लिया है कि अगर राधिका सचमुच ही एक सच्चे भक्त की तरह पवित्र होती तो फिर उसे अपनी बहन के ससुराल से यानी कि सम्माननीय पुरोहित जी के घर से क्यों निकाला गया। और फिर इसी अपवित्र राधिका ने हरियाली अमावस्या की पूजा की, जो अपने आप में घोर अपराध है, और इसकी सजा राधिका और शास्त्री जी दोनों को ही सहनी होगी। रुकिए रुकिए, तनिक रुकिए। उस लड़की को हमने पाला जरूर है, लेकिन उसे हमरा कोई खून का रिश्ता ना है। आप ही कहिए पंच परमेश्वर, नौकर के किए की सजा मालिक को कैसे मिल सकत है? आप क्या कह रही हैं अम्मा? हमको बोलने दे लल्ला। अगर अगर आप कहते हैं तो हम वो लड़की को इसी वक्त घर से निकाल देंगे। उके किए की सजा मुर लल्ला को मत दीजिए, दया करो परमेश्वरो। राधिका को आपके घर से निकाल के कुछ नहीं होगा अम्मा जी, राधिका को तो इस वृंदावन से बाहर निकालना ही होगा। साथ ही साथ आपके परिवार को भी बाहर निकालना होगा। आपके मंदिर पर जो ताला लगा है उसे अब नए पुजारी आकर ही खोलेंगे। यही हमारा निर्णय है। रुकिए,